हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अली मुनव्वर, आज जुम्मा है घर पर। ये पहला मौका है कि हम लोग घर की किसी सरगर्मी को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोनों बच्चे हैं मेरे। क्या नाम है भाई? मेरा नाम है हुनैन असवत। और आप? मेरा नाम है मोहम्मद साइम हुसैन। साइम और हुनैन, नाइन्थ क्लास का स्टूडेंट है और वो हुनैन सेवन्थ का। जनरेशन गैप, बच्चे और माँ बाप के दरमियान फासला। खैर, इस बात का मुझे बहुत पहले से इल्म हो चुका है कि जो नए ज़माने का इल्म और माँ बाप ने जिस ज़माने में स्कूल कॉलेज वो गए हुए होते हैं, तो और आपको पता है साइंस और उलूम में तरक्की तब्दीलियाँ होती रहती हैं। बहुत सारे हाइपोथेसिस, बहुत सारी थ्योरियाँ, जो पहले हाइपोथेसिस होते हैं वो फिर प्रूव होकर थ्योरियाँ और फैक्ट बन जाते हैं। तो सियारचों की बात कह लें, प्लूटो हमने पढ़ा था कि सियारा होता है, बच्चे पढ़ रहे हैं कि सियारा नहीं होता। इस तरह बहुत सारी चीज़ें बच्चों के जहन में भी अजीब अजीब सवाल उठते रहते हैं, पूछते रहते हैं पेरेंट्स से। और अगर पेरेंट्स जदीद अलूम से बाखबर ना हो तो फिर और नज़रियात और फिर कल्चर और बहुत सारे रसूम और रवाज, माँ बाप के कुछ और होते हैं, बच्चे कुछ और सीख रहे होते हैं, तो एक जनरेशन गैप आ जाता है। क्या क्या सोचते हैं बच्चे भाई आज के, जब जनरेशन गैप होगा, आप उनके जहन के साथ चल ही नहीं रहे होंगे तो बच्चे आपसे नहीं पूछेंगे। फिर बच्चे फिर वीडियोस देखेंगे या और लोगों से पूछेंगे, तो आपको लगेगा बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं, हमसे पूछते नहीं। आपसे क्या पूछें यार, आपको पता है नए ज़माने में क्या हो रहा है क्या क्या चल रहा है बच्चा आजकल जहन में क्या चल रहा है, आप लोगों के जहनों में क्या चलता है, क्या सवाल उठते हैं, क्या हमारी जो है हमारी जो अर्थ यानी कि ज़मीन है, इसके अलावा कोई कहीं किसी और सियारे पर वो जो है ज़िंदगी जो है एग्जिस्ट कर सकती है? मुमकिन तो है भाई, मुमकिन ये इस तरह से कि जो कंपोनेंट, जो मटेरियल ज़िंदगी को शुरू करने के लिए होना चाहिए या हम समझते हैं कि है, वो तो पूरी कायनात में बिखरा हुआ है ना। कायनात में जो ये कोई 2000 अरब के करीब गैलेक्सियां हैं और फिर उन गैलेक्सियों में करोड़ों अरबों सूरज हैं और खरब हाँ इस सियारे हैं, तो ये मुमकिन तो है। लेकिन है अभी वाकई में कहाँ है हमें मालूम नहीं, और फिर ये भी नहीं पता कि वो ज़िंदगी हमारे जैसी ही होगी या कुछ अलग तरह की ज़िंदगी भी हो सकती है, क्योंकि हम तो एक ही तरह की ज़िंदगी जानते हैं जो हम और जानवर और ये कीड़े मकोड़े देखते हैं दुनिया में। हो सकता है किसी और तरह की ज़िंदगी, ऑक्सीजन बेस्ड ज़िंदगी ना हो, हम तो ऑक्सीजन बेस्ड ज़िंदगी को जानते हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं, हो सकता है वो किसी और किस्म की। मुमकिन तो है, मुमकिन है। हुनैन, आप क्या सोचते हैं भाई, सिर्फ कायनात ज़िंदगी के अलावा और दुनिया में और भी कुछ चीज़ें हैं इनके अलावा भी आप सोचते हैं, यही चीज़ें सोचते हैं? और भी हैं, जैसे कि मेरे नज़रिए मानने का ये है कि इंसान से पहले क्या चीज़ वजूद में थी। इंसान अगर पूरी कायनात में जो ज़िंदगी हम देख रहे हैं कि ज़मीन पर मौजूद है, इस ज़मीन पर इंसान के इंसान से पहले, हाँ भाई ये बात भी है कि अब तक जो इंसान की उम्र एग्जिस्टेंस जो है ज़मीन पर, उससे पहले और जानदार तो मौजूद थे भाई। डायनोसॉर्स के बारे में तो हमें पता है कि वो मौजूद थे और इंसान से पहले मौजूद थे। इंसान जब पहला इंसान इस दुनिया में इस शक्ल में आया है, तो मेरा ख्याल है कि साइंस तो यही बताती है कि उस वक्त तक डायनोसॉर्स जो थे वो इंस्टिंक्ट हो चुके थे, इस दुनिया से ख़त्म हो चुके थे। ऐसे ही आपने भी सुना है पढ़ा कि डायनोसॉर्स का वजूद नहीं था, तो इंसान से पहले वो डायनासोर थे यहाँ पर। और उसके अलावा बाकी और जानदार बहुत सारे थे जो कि ख़त्म हो चुके हैं, अभी नहीं है दुनिया में। डायनासोर्स के बारे में तो मुसल्लिमा सबूत मिले हैं ना, उनके जो फॉसिल्स मिले हैं, ढांचे मिले हैं। नहीं, वो वजूद में कैसे है जब कोई जिंदगी कैसे वजूद में आई है, ये सवाल है भाई वाकई। नहीं, यही ना कि जिंदगी कैसे वजूद में आई। हाँ हाँ हाँ, देखें इसमें दो नज़रिए हैं। एक तो हमारा मज़हबी नज़रिया है, सीधा सीधा जो हमें बताता है कि कोई भी मज़हब हो दुनिया में, सिर्फ मुस्लिम नहीं और भी जितने भी मज़ाहिब हैं, उन सब का तो यही मानना है कि भाई ज़िंदगी डायरेक्ट
परवरदिगार ने इंसान को इसी शक्ल व सूरत में जिसमें हम मौजूद हैं बनाया। ये तो सीधा सीधा जवाब है उनका। लेकिन अब साइंस जो कह रही है कि नहीं भाई, लेकिन वैसे एक और बात भी है, मजहबी तौर पर भी ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनको हमने पढ़ा है, वो कहते हैं नहीं इंसान इस शक्ल में वजूद में नहीं आया। ये मजहबी नज़रिया भी है, ऐसे लोग हैं जो उसकी इस तरह से तशरीह करते हैं कि इंसान इर्तका हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, कि इंसान इस शक्ल में नहीं था। यक खुलवी जानदार जो कि एक खुलिए से ज़िंदगी की शुरुआत हुई और फिर उससे मुख्तलिफ़ शाखें बनी और इंसान इर्तका करता, बल्कि वो ज़िंदगी सही लफ्ज़ होगा, ज़िंदगी इर्तका करती हुई मुख्तलिफ़ जानदारों में मुख्तलिफ़ जानदार बने, उनसे जिनमें से एक इंसान भी है। इंसान भी जानदार ही है ना, अब नाम तो हमने दिया ना कि इंसान है और ये वो बाकी शेर हैं या चीते हैं या वो कुछ भी है, तो उससे फिर एक इंसान नुमा जानवर या जानदार कहें हम, इंसान नुमा जानदार कैसे वजूद में आई है, वही मैंने आपको बताया कि जो कंपोनेंट चाहिए इसे, ठीक है ना, मिनरल्स हैं कुछ, ये क्या हैं वो, और क्या क्या कहते हैं उसे जिनसे इंसान बना है, किन किन चीज़ों से बना, आपके इल्म में क्या है, किन क्या इंसान कोई सेल तो बाद में बने ना, पहले तो खुलिया खुल भी जानदार जब बना होगा उसका बुनियादी मटेरियल क्या होगा, आपका क्या ख्याल है क्या हो सकता है? देखो जैसे हम एक चीज बनाते हैं, हमने फॉर एग्जांपल ये ईंटें लगी हुई पीछे, ईंट बनाई, हम इसमें कहें इसका मटेरियल क्या है, भाई मिट्टी है, मिट्टी सादा जो शक्ल में हमें मिट्टी नजर आई, मिट्टी के अंदर भी तो और बहुत सारी चीजें होंगी ना, इसके अंदर रेत होगी, ठीक है, सीमेंट तो बाद में, खैर सीमेंट तो ईंट बनने के बाद जब इसको लगाया जाएगा, जब शामिल किया जाएगा ना, तो ईंट के भी तो कुछ जुज हो, मिट्टी के भी तो कुछ जुज होंगे ना जिनसे मिलकर मिट्टी बनी हुई है, ठीक है ना, फिर पानी का इस्तेमाल हुआ होगा इसके अंदर, फिर इसको पकाने के लिए इसको इसमें हरारत बिजली अपना लाइट सॉरी आग इस्तेमाल की गई होगी। इसी तरह जो इंसान बना है ना, इसके बुनियादी मटेरियल में ये सिर्फ इंसान नहीं बना है, इसमें सारे जानदार मखलूक हैं। वो देखो ना, वो असल चीज है कि जिंदगी का एक बार शुरू हो जाना, वो शुरू होते चलती रहती, जब एक दफा शुरू हो गई जिंदगी, ये तो ऐसे ही है ना, आपके हाथ में घड़ी नहीं, पुराने अब वो घड़ियां होती थी चाबी वाली, उसमें बहुत सारी मशीनरी होती है, एक दफा जब आपने चाबी को घुमा दिया, उसके उस चाबी ने घूम के दूसरे पुर्जे को घुमाया, उसने तीसरे को घुमाया, उसने चौथे को घुमाया, उसने पांचवें को, और पूरा एक निज़ाम चलने लग गया। हमने तो एक चाबी घुमाई थी, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, जीना दर जीना वो एक सिस्टम चलने लग गया, फिर वो मुसलसल चले जा रहा है, चले जा रहा है। पेंडोलम वाली घड़ी दीवार पे लगी हुई थी, पेंडोलम उसका ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, ठीक है ना। बाज़ औक़ात चीज़ें जब एक दफ़ा चला दी जाएँ तो वो खुद ही अपनी एनर्जी भी पैदा कर रही होती हैं, जला भी रही होती है, हाँ वो इस्तेमाल भी कर रही होती हैं उसको, और उसके पीछे इतनी सेविंग भी हो रही होती है कि भाई वो घड़ी मुसलसल उसको गाड़ी को उसको चीज़ को चलाता ही रहे, चलाता ही रहे। जैसे अभी गाड़ी है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, गाड़ी में बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना, दो किस्म की हम गाड़ियाँ ना, एक तो डायरेक्ट हम फ्यूल पे चला रहे हैं, एक बैटरी से हम उसकी बिजली की दूसरी लाइटें वगैरह ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। ऐसा इंजन बनाया जाए जो कि जिसको एक दफ़ा चला दिया गया, हाँ ये सवाल आपका ज़रूर रहेगा कि पहली बार वो चला उसके लिए तमन्ना एनर्जी कहाँ से आई, लेकिन एक दफ़ा चल गया, वो कंज्यूम भी कर रहा है, उसकी कंजम्पशन इतनी है और बिजली जो एनर्जी बन रही है उससे कम है, तो वो एनर्जी सेव करके अपनी कंजम्पशन भी कर रहा है और अपनी उसको चलाने के लिए भी, उसको चार्ज करने के लिए भी तमन्ना खुद ही से प्रोड्यूस हो रही, फिर कंटिन्यू मुसलसल चली जा रही, तो वो अब चले जा रही है ज़िंदगी। बाकी ये सवाल ज़रूर है कि पहली बार इसको धक्का किसने दिया, ये वही बात होगी ना, अव्वलीन जब इस कायनात का आगाज़, वो तो आपको पता होगा कैसे हुआ, कैसे हुआ कायनात का आगाज़, जब इस सारे ये सारी गैलेक्सियाँ बनने का आगाज़ वो किससे हुआ था, बिग बैंग की वजह से, बिग बैंग ब्लास्ट हुआ था, बिग बैंग में फ्यूजन। अच्छा ये भी फ्यूजन, ये भी बड़ी चीज़ है कि बिग बैंग में ब्लास्ट हुआ या फ्लक्चुएशन हुई, यानी कि स्मूथ फैलाव हुआ या एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, इसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं यार साइंटिस्ट। कुछ लोग कहते हैं कि हम सुनते आए थे पहले बचपन में कि ब्लास्ट हुआ, धमाका जोरदार, लेकिन अभी के तो ज़्यादातर साइंटिस्ट हैं, उनका कहने का नज़रिया ये है कि
उसके अंदर फ्यूजन हुआ है। फ्यूजन फ्यूजन तो हुआ, वो तो फ्यूजन तो देखो सितारों में होता है, वो जो फैला हुआ था उसमें फ्यूजन नहीं हुआ था। फ्यूजन तो अब सितारों में जो हो रहा है, लेकिन मे बी आई एम रॉन्ग, नए जमाने के बच्चे आप कुछ ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, लेकिन वो जो हुआ था वो फैलाव हुआ था उसका। आप चलें समझाने के लिए धमाका कह लें उसे, लेकिन वो कहते हैं कि धमाका शायद नहीं था, वो एक फैलाव था। स्मूथ तो यानी कि था तो बहुत ज़ोरदार और बहुत तेज़ी से। अभी जो रोशनी की रफ्तार है ना 186,000 मील पर सेकंड, ये एक वीडियो के अंदर देखा था कि जो हमारी जो कायनात है ना वो रोशनी की स्पीड से यानी कि 3 गुना ज़्यादा स्पीड से सफर कर रहा है। हाँ, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि अब हम ये समझते हैं कि इस कायनात में रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा कोई चीज़ या रोशनी की रफ्तार जितनी चीज़ जो मैस रखती है वो नहीं फैल सकती, नहीं कब सफर, ठीक है। लेकिन ये तो हुआ है कायनात में बिग बैंग के फौरन बाद, ये नैनो सेकंड के उस वक्त के फासले पर, उस वक्त तो रोशनी की रफ्तार से कई गुना, जैसे 3 गुना ज़्यादा, साइम बता रहा है कि 3 गुना ज़्यादा स्पीड से फ्लक्चुएशन हुई है, चीज़ें मादा फैल के दूर तक गया है। ये तो मुमकिन है फिर, और अब मेरे ख्याल इस पर काम भी चल रहा है कि रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा चीज़ें जा सकती हैं, स्पीड उनकी हो सकती है। और जब ये हो जाएगी तो मेरा ख्याल है फिर जब इसको हम प्रूव कर लेंगे या ऐसी चीज़ें बना लेंगे, फिर हम रोशनी की रफ्तार पे भी सफ़र कर लेंगे। उसकी मैंने एक वीडियो देखी थी दिल इम्तियाज़ी, उसके अंदर उसका ये राय थी कि जो है ना इसके लिए हमें नेगेटिव एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने तो बोला नेगेटिव एनर्जी हम तो अभी तक बना नहीं पाए या ढूंढ नहीं पाए, उसे हमने उसे ढूंढा ही नहीं, उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है हमारे साइंटिस्ट। बहरहाल जैसा कि कायनात का है, अच्छा नहीं कायनात सवाल है आपके पास कोई? हाँ बताइए। जैसा कायनात है, कायनात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, लामहदूद, यानी कि जैसे हमें जो पता देखो हबल टेलीस्कोप से हमें जो पता लग सका वो 14-14.5 कोई बिलियन साल लाइट ईयर दूर। अब जेम्स वेब जो टेलीस्कोप गई है ये 6 मंथ आने वालों में, ये मुझे बड़ी दिलचस्पी है, क्यूरियसिटी है कि ये 6 महीने अगले बड़े दिलचस्प गुजरेंगे, उसके बाद जब ये काम शुरू करेगी तो पता चलेगा, फिर हमें पता लगेगा वाकई में कि क्या कायनात इतनी ही फैली हुई है जो हबल ने बताया या उससे भी ज़्यादा है, ठीक है ना। जब तक बहुत बड़ी से मुराद ये कि जो अभी तक हमें इल्म है वो 14-14.5 है बिलियन लाइट ईयर या रज़ाने हो गई हैं। मेरा ख्याल है कि अपनी आज की इस निशिस्त को यही किया जाए इख्तिताम, वीडियो का इख्तिताम। नेक्स्ट कल परसों या जब भी हम लोग फिर बैठेंगे मिलके तो ठीक है, फिर बातचीत करेंगे। तो नाजरीन चाय पर, शाम की चाय पर छोटी सी बातचीत, मगरिब का वक्त हो चुका है, अजानें हो चुकी हैं, आप भी जाइए नमाज पढ़ने, अपने परवरदिगार क्रिएटर को याद कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। हमारी वीडियो आप जहां भी देखें, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लव यू हो जाएगा यार, आप उससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।